हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीएसआई न्यूज़। इस वीडियो में आईसीएसआई के इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। आईसीएसआई ने 15 फरवरी को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिलीज़ की है। अगर आप सीआईडब्ल्यूटी के स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम देना मई 2024 में, आईसीएसआई ने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए रिलीज़ की है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन इसके साथ आपको सीआईडब्ल्यूटी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। पूरी एक अच्छी खासी बड़ी वीडियो होगी, तो पूरी वीडियो को जरूर से देखना अगर आपको सीएडब्ल्यूटी एग्जाम क्लियर करना है, एक बार में क्रैक करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपको सीएसडब्ल्यूटी की रिगार्डिंग सारी सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक दे देगा। अनाउंसमेंट को देखने के लिए आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पर ना, यहाँ पे आपको लेटेस्ट आईसीएसआई सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपके सामने अनाउंसमेंट जो आईसीएसआई ने अभी अभी रिलीज़ की है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, फिर एडिशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सीएसडब्ल्यूटी का एग्ज़ाम देना है, वो होने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 मई 2024 को होने वाला है और इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 है। ठीक है, अब इसके एलिजिबिलिटी और एग्जामिशन के बारे में समझ लेते हैं। और सीएसडब्ल्यूटी एग्ज़ाम होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो आपका सीएसडब्ल्यूटी एग्ज़ाम है वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, अगर आप इसका नाम पढ़ो, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में जाना है उसकी एंट्री लेवल का एग्ज़ाम है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये एक रूट होता है, दूसरा रूट डायरेक्ट एंट्री स्कीम होता है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में बता रहा हूँ। ये आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस रूट है। ठीक है, आप कब सीएडब्ल्यूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने 12th पास किया है किसी भी बोर्ड से, कोई से भी सब्जेक्ट से, तो आप सीएडब्ल्यूटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट जाना है, सीएडब्ल्यूटी का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने सीएस फाउंडेशन पास किया है, आप सीए हो या सीए में हो, या आपने अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा लाए, तो आपको सीएसडब्ल्यूटी का एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 मई को होने वाला है और 15 मई तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए। आप मेरी इन्फॉर्मेशन को अभी देख रहे हो तो अभी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। 15 से 20 दिन लगते हैं आपकी बुक्स को घर पर आने में, और मान लीजिए आप 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पास भी नहीं हो पाओगे सीएसडब्ल्यूटी मई 2024 का एग्ज़ाम। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, कैसे कराते हैं मैं वीडियो बना रखा हूँ, एंड स्क्रीन पर वीडियो जरूर देख लेना। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ की। पहले आती है आपकी स्टडी मटेरियल, ठीक है, दूसरे आता है ई बुलेटिन, तीसरा आता है मॉक टेस्ट पेपर। तीनों बहुत बहुत ज़रूरी है, तीनों को मैं डाउनलोड करने का फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है आपको, आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पर ना, यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाला सेक्शन दिखेगा, ये है आपको सीएसडब्ल्यूटी वाला सेक्शन दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा सीएसडब्ल्यूटी स्टडी मटेरियल, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपको दिखेगा रीडिंग मटेरियल, क्लिक करो आप। देखो फर्स्ट वाली में 3 बुक है ना, ये ब्लू कलर की दिख रही है, फर्स्ट वाली में 3 और सेकेंड वाली में 1 बुक है, तो आप व्यू मोर करोगे, करते ही डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप दोनों स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ई बुलेटिन है, इसी के नीचे ई बुलेटिन दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी सारी ई बुलेटिन आपको डाउनलोड कर लेनी है। क्यों करनी है मैं आपको बताता हूँ। सीएसडब्ल्यूटी में एक सब्जेक्ट चलता है करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं सभी स्टूडेंट्स को, बाकी आप आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आपने ई बुलेटिन पढ़ी है। ठीक है, और दूसरा कारण है कि इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैं आपको बताऊँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये रहे, बहुत बार होता है ऐसे कैसे क्वेश्चन को उठा के आई सी आई आपको दे देती है, अगर आपने कर रखे होंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आप अपना एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, 2 चीज़ों को मैं आपको बता दिया डाउनलोड करने का प्रोसेस। तीसरा है मॉक टेस्ट पेपर, सबसे ज़्यादा जरूरी, वो आपको आई सी आई की वेबसाइट बनाना है, सी ए डब्ल्यू टी पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिखेगा आपको सी ए डब्ल्यू टी मॉक टेस्ट पेपर, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जितने भी आपको मॉक टेस्ट पेपर दिख रहे हैं सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं रोजाना के रोजाना। ठीक है, यही है जो आपको मेन एग्जाम क्लियर करा था, तीनों चीज है, तीनों रामबाण है, आप डाउनलोड करने का प्रोसेस समझ चुके हैं, डाउनलोड कर लेना। रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आए या सीएडब्ल्यू की रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।
आपको सी एडब्ल्यू डी की सारी अपडेट आपके एग्जाम तक में था, तो आपसे हम मिले अगली वीडियो में। बाय।